नमस्कार, आप देखें सुपरफास्ट फ्यूचर्स और आज एक्शन थोड़ा सुस्त है मार्केट पे। हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन क्या निफ्टी रिकॉर्ड दरों को छूने के लिए तैयारी कर रहा है? क्या ये मौका है खरीदारी करने का? एक छोटा सा यहाँ पर आज निजक रिएक्शन देखने को मिला है और फिर भी मार्केट पे हो सकता है कि मोमेंटम डेवलप हो जाए। चलिए, जैसे मैंने कहा कि मार्केट पे आज हायर लेवल्स पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन आप ये देखिए ग्लोबल टेंशन्स थी, इतनी अनसर्टेनिटी थी कि मार्केट्स आज कैसे बिहेव करेंगे। उसके बावजूद मात्र 30 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी पे, 54 पॉइंट्स नीचे हम सेंसेक्स पे, और निफ्टी बैंक जो कि पिछले चार ट्रेडिंग सेशन से तेज था, वहां पर 60 पॉइंट्स की गिरावट है। तो ये 1/4% की गिरावट ही है मार्केट पे इतनी ज्यादा टेंशन के बावजूद, एक अच्छी मार्केट के संकेत है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी तो हो सकता है लोअर लेवल से फिर से खरीदारी बढ़ जाए, लेकिन आज के सत्र में एडवांस डिक्लाइंस देखने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादा स्टॉक्स तो नहीं टूट गए मार्केट पे इस रेंज बाउंड मूवमेंट में भी। बीएससी में इस समय एडवांसेस कम है, डिक्लाइंस की संख्या ज्यादा है, वही आप एनएससी पे भी देख सकते हैं। निफ्टी पे 37 शेयर गिरे हैं और 14 बढ़े हैं, सेंसेक्स में 19 शेयर गिरे हैं और 12 बढ़े हैं। तो ये आप इंपॉर्टेंट डेटा नोट कर लीजिए कि देखिए इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी के बावजूद कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो लोअर लेवल्स पे फिर से ट्रेडर्स हैं उनमें एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। निफ्टी पे 14 बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या है अभी। लेकिन फटाफट से मैं एफएनओ की बात करूं तो कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, कहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, उसमें एक है आंध्रा बैंक और दूसरा है ONGC। दोनों स्टॉक्स आज आप परसेंटेज के लिहाज से भी देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं एफएनओ में। इसके अलावा भारती इंफ्रा, मैक्स फाइनेंशियल, साउथ इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स पे आज मोमेंटम ज्यादा देखने को मिल रहा है। मेरे साथ समीर चवन जी जुड़े एंजल ब्रोकिंग से। समीर, तो शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, आज इतनी बड़ी करेक्शन तो नहीं हुई? एसडीएक्स निफ्टी तो संकेत दे रहा था कि आज 60-70 पॉइंट साफ हो सकते हैं निफ्टी पे। आप आज के इस बाजार के बिहेवियर को कैसे देख रहे हैं और क्या खरीदारी हो सकती है दोबारा? देखिए रिजत, क्लियरली अगर हम देखें तो लास्ट 3-4 वीक से हम ग्लोबली अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशन है, और एक दो दिन अब हमें दिखता है कि उसके वजह से मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट होता है, वापस ऊपर आता है। तो क्लियरली एक अनसर्टेनिटी है मार्केट में। यहाँ पे अगर हमारी मार्केट की बात करें तो यहाँ पे एक है कि एक रेंज डिफाइन हो गई अभी ऊपर की तरफ, जब तक अभी 10,138 जो प्रीवियस हाइज है वो ब्रेक नहीं होंगे तब तक ऊपर की तरफ मोमेंटम नहीं आएगा, और लो साइड पे जब तक 9980 10,000 के लेवल्स होल्ड कर रहे हैं तब तक उतना वीकनेस नहीं दिखेगा। तो ये एक 140 पॉइंट की एक इंपॉर्टेंट रेंज बन गई है। हमारा यही मानना है डायरेक्शनल कॉल उसके ऊपर ही लेना चाहिए, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती आइदर साइड पे तब तक कोई भी डायरेक्शनल कॉल नहीं लेना चाहिए। तब तक हमारी यही रणनीति होगी, अगर लोअर एंड पे आता है तो वहाँ पे बाय कीजिए, हायर एंड पे आता है तो वहाँ पे आप सेल कीजिए। तो हमारा यही मानना है कि अभी फिलहाल तो एक लोअर एंड के आसपास चल रहा है, यहाँ से और एक 20 पॉइंट की अगर गिरावट मिलती है तो वहाँ पे एक छोटे स्टॉप लॉस से बाइंग करनी चाहिए। 10,000 का क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस होगा, टारगेट्स एग्रेसिव नहीं होंगे, 10,120-10,130 के ही टारगेट्स रहेंगे। चलिए ठीक है, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह 10,040 के आसपास, 10,120 का टारगेट, स्टॉप लॉस 10,000 का ही लगाना होगा। लवलेश शर्मा जी मेरे साथ अब मौजूद है। लवलेश जी, आपकी अप्रोच बताएं निफ्टी पे और एक स्टॉक जो क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं आप। वेरी गुड आफ्टरनून रजत। निफ्टी पे हमारी रणनीति बाय की रहेगी डिस्पाइट ग्लोबल टेंशन। वी बिलीव लास्ट टाइम भी जब बॉटम बना था उसके दो दिन पहले सेल टेस्ट हुआ था, तो वी बिलीव दिस इज अ पार्ट ऑफ अ कंसोलिडेशन। एक काफी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे हम हार्मोनिक पैटर्न देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम टारगेट 10,120 से 10,130 तक का लेकर चल रहे हैं। काफी छोटा स्टॉप लॉस रहेगा निफ्टी स्पॉट बेसिस पे 10,040 का। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक बताइए मूवमेंट कहाँ पर आप तेजी की एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? हम एलएनटी फाइनेंस में तेजी बेट कर रहे हैं, हमको लगता है यहाँ से वोलेटिलिटी थोड़ी सी स्टॉक भी, क्योंकि एक अच्छा अप मूव आया था रिजल्ट हमने देखा था और एक कंसोलिडेशन में है स्टॉक, लेकिन ये काफी टाइट रेंज होते जा रही है 202-201 के आसपास। मुझे लगता है बाय करना इसमें सही रहेगा, 199 का इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हम। इसमें आने वाले 1-2 दिन के लिए 208-210 हमारा टारगेट रहेगा। ओके ठीक है, स्पॉट के हिसाब से आप टारगेट्स दे रहे हैं ना? राइट, फ्यूचर्स के हिसाब से। चलिए 210 का एक टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 199 का एलएनटी फाइनेंस पे। शुक्रिया। मेरे साथ अब अजीत मिश्रा जी जुड़े हैं रेलिगेयर सिक्योरिटीज से। अजीत जी नमस्कार। सर, आपकी अप्रोच बताइए निफ्टी पे और एक स्टॉक जो क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं आप। शुक्रिया रजत। रजत देखिए, यहाँ पे मार्केट में जो एक डिप आया है ड्यू टू द इंटरनेशनल फ्लूज, मुझे लगता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। बिकॉज की पहले आपको याद होगा कि 99 तक क्रॉस नहीं कर रहा था मार्केट, 10,000 के पास सस्टेन नहीं कर रहा था, तब तक हमने नेगेटिव बायस में आ रखा था। अब यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि रिकॉर्ड हाई के पास एक कंसोलिडेशन हो रहा है, उसके बाद निफ्टी में पोटेंशियल है करीब 10,200-10,300 तक के लेवल्स को टेस्ट करने का।
ओके, तो यहाँ पे जब तक 9950 होल्ड कर रहा है मेरे हिसाब से हर यू नो डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट अगर बिल्कुल इंट्राडे या फिर एक दो दिन के अगर व्यू से करें तो 9980 के स्टॉक के साथ भी आप लॉन्ग पोजीशन पे, ठीक है राइट, आपकी भी अप्रोच पॉजिटिव है मार्केट पे। एक स्टॉक बताइए जो बाजार की तुलना में ज्यादा चढ़ जाएगा। देखिए कैपिटल फर्स्ट एक काउंटर मुझे लगता है यहाँ पे कि काफी ज्यादा कंसोलिडेशन के बाद वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है और अभी नेकलाइन एरिया के पास ट्रेड कर रहा है ये कंसोलिडेशन के, तो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप अभी भी एंटर कर सकते हैं स्टॉक में। करीब 785 का स्टॉप लॉस रहेगा, 845 का एक नियर टर्म टारगेट, बट बियॉन्ड दैट ऑल्सो वेन कैन होल्ड। चलिए बहुत शुक्रिया, कैपिटल फर्स्ट पे आप बुलिश हैं, 845 का टारगेट है, 785 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। तो दो स्टॉक्स हो गए, एक तो कैपिटल फर्स्ट, दूसरा एलएनटी फाइनेंस। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, फटाफट से मैं आपको अपडेट कर दूं क्योंकि वो इंपैक्ट डाल सकती है टाटा कम्युनिकेशन पे। देखिए ये बीएसएनएल का जो जमीन का मुद्दा है ना, बिक्री का, ये अब कहीं ना कहीं सुर्खियों में है और अब डीओटी सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि इस जमीन बिक्री पे जल्द कुछ फैसला हो सकता है, जल्द बीएसएनएल जमीन बिक्री पर कैबिनेट नोट आ सकता है, इस पे विचार किया जा रहा है, कैबिनेट नोट को अंतिम रूप दिया गया है। और अगर ऐसा होता है, अगर ये जमीन बिकती है, तो ये बता दूं आपको कि टाटा कम्युनिकेशन को 5% हिस्सा मिलेगा। बीएसएनएल के पास करीब 10,000 करोड़ की जमीन है, इस जमीन को बेचने का प्रोसेस हो सकता है जल्दी शुरू हो जाए। दिल्ली मुंबई में बीएसएनएल के पास जमीनें हैं और इस पर जो है कैबिनेट नोट जल्द आ सकता है। 5% जो जमीन बिक्री का हिस्सा है वो टाटा कम्युनिकेशन को मिलेगा। एक बार समीर जी एक बार देख के बताएं, टाटा कम्युनिकेशन कल के सत्र में भी एक्टिव था, आज गिरते बाजार में फिर से 2% ऊपर है ये स्टॉक, आपकी राय क्या टाटा कम्युनिकेशन को लेके? देखिए विद इन टेलीकॉम स्पेस टाटा कम्युनिकेशन, भारतीय एयरटेल, ये दो स्टॉक्स हमारे प्रेफर्ड स्टॉक्स रहे हैं। रिसेंटली टाटा कम्युनिकेशन ने एक अच्छी खासी रिकवरी दी थी लो लेवल से और उसने 680 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया है। कंसिडरिंग रिसेंट प्राइस वॉल्यूम एक्टिविटी, हमें लगता है कि जो 740-750 के जो रिसेंट हाइज है वो एक बार रिटेस्ट करने ये स्टॉक जा सकता है, तो पॉजिटिव बायस से ही फिलहाल ट्रेड करना चाहिए। चलिए ठीक है, वीके शर्मा साहब भी मेरे साथ इस समय लाइन पे मौजूद हैं। शर्मा साहब शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर अभी खबर ये आई है कि जो बीएसएनएल की जो जमीन है ना 10,000 करोड़ के आसपास की, इस की बिक्री को लेकर कैबिनेट हो सकता है जल्द नोट जारी कर दे, आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पे? देखिए इसमें ये तो समय की बात थी कि कब होता है, इंटेंशन तो था ही, तो जब कभी भी हो जाएगा तो एक नया ट्रिगर और मिलेगा स्टॉक को, और काफी हद तक तो ये ऑलरेडी प्राइसेड है, पर एक्चुअली में जब डिसीजन आएगा तो स्टॉक में ऊपर जाने की क्षमता और बढ़ेगी। चलिए ठीक है, वही मैं पूछ रहा हूँ, ये टाटा कम्युनिकेशन को कितना फायदा होगा सर, क्योंकि आज सुबह एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट थी ना, वो ओवरवेट थे इस पे, 790 का लक्ष्य दिया था और उन्होंने कहा था कि जो जमीन डीमर्जर वगैरह हुआ तो वो लक्ष्य बढ़ा भी सकते हैं, 1071 भी कर सकते हैं। ये पहले अपना बात हो चुकी है इसके ऊपर आपके चैनल के ऊपर, जब भी मैंने स्टॉक रिकमेंड किया था करीब 450 के आसपास, तब भी ये जिक्र किया था, तो जो ओरिजिनली जो प्राइस समझी जा रही थी उससे ज्यादा तो प्राइस बढ़ चुकी है। लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि ये एक जमीन, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट अगर जमीन को हम नहीं भी देखें, जमीन एक बड़ी चीज है, 10,000 करोड़ रुपए जो आप बोल रहे हैं, दूसरी रिपोर्ट्स 15,000 करोड़ तक की बोलती हैं, लेकिन इनको अगर हम ये समझ लें एक बार कि जमीन जब बिकेगी तो सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट के पास कोई वजह नहीं रह जाएगी इसके अंदर 26% स्टेक अपना रखे, और वो जब अपना वो सेकंड स्टेज कि जब अपना गवर्नमेंट अपना स्टेक डिसइन्वेस्ट करेगी तो ये स्टॉक और रेट होगा, और जैसे ही गवर्नमेंट का 26% स्टेक जाएगा उसके बाद में कि कंपनी जिसने कोई जरिया नहीं था बिकॉज गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग बढ़ाना नहीं चाहती थी, तो इन्होंने जो भी ग्रोथ के लिए पैसा उठाया वो डेट से उठाया, तो गवर्नमेंट तो ये कंपनी डेट को रिटायर कर पाएगी, वो एक तीसरा ट्रिगर होगा बाद में। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए शर्मा साहब, और इस खबर पे अपना रिएक्शन देने के लिए। और जैसे ही खबर आई आप देख सकते हैं लो लेवल से खरीदारी, अब 1.5-2% के आसपास की तेजी टाटा कम्युनिकेशंस पे देखने को मिल रही है। नीरव चेड़ा जी मेरे साथ समय लाइन पे मौजूद है। नीरव जी शुक्रिया अपना समय देने के लिए, एक तो निफ्टी पे अप्रोच बताएं और दूसरा टाटा कम्युनिकेशंस पे भी आपका एक रिएक्शन चाहिए। देखिए आई विल स्टार्ट विद टाटा कम्युनिकेशन, अगर मैं इसका चार्ट भी देखूं तो मुझे भी यही लग रहा है कि टाटा कम्युनिकेशन आई थिंक प्रीवियस हाई जो 760 की हाई है वो क्रॉस कर सकते हैं, काफी अच्छी बाइंग देखी गई है इन द लास्ट वन वीक, आप 700 का स्टॉप लॉस रख के इसको बाय कर सकते हैं। ओके राइट, निफ्टी पे अप्रोच क्या है और आप कौन सा स्टॉक क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं?
देखिए निफ्टी एक्चुअली हायर टॉप हायर बॉटम बनाते जा रही है. हाउएवर आई फील विद इन दिस वीक आप देखें तो 200 पॉइंट रेंज में रहनी चाहिए निफ्टी. अपसाइड अगर 10,150 और डाउनसाइड 9950 और लेवल्स. हाउएवर हम एग्जैक्ट उसके बीच में है. मुझे लग रहा है थोड़ा डाउनसाइड आएगा अराउंड 10,020 वहां पे बाय करें और 9960 के स्टॉप लॉस से और 10,150 के टारगेट से. ये महीना पुट हैवी महीना है सो अ लॉट ऑफ पुट बाइंग गोइंग ऑन. आप देखें तो 1.50 के ऊपर पीसीआर है सो दैट इज अ वेरी वेरी बुलिश साइन. तो आप बोल रहे हैं कोई भी गिरावट आ गई तो उसको फिर से एक्यूमुलेशन के तौर पे देखना चाहिए, निफ्टी पे दोबारा तेजी की पोजीशंस बना लेनी चाहिए. हमारे पास चार आज राय आई है, चारों के चारों खरीदारी की है. एक स्टॉक बताइए जो आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं. देखिए एक स्टॉक है एचडीएफसी बैंक. अभी एचडीएफसी बैंक क्या करता है, हर महीने 100 रुपए ऊपर चले जाता है. ये एक्चुअली फेवरेट स्टॉक नहीं है मगर लार्ज कैप में आप देखिए इसमें गिरावट बहुत कम आती है. ऑलवेज लॉन्ग ओनली स्टॉक है ये. मेरे हिसाब से यहाँ से भी स्कोप है एचडीएफसी बैंक में. हायर टॉप हायर बॉटम बनाते जा रहा है, लॉन्ग बिल्टअप कंटिन्यूस है. ये 2000 तक जा सकता है. हाउएवर फ्रॉम ट्रेडिंग परस्पेक्टिव आप इधर बाय करें 1830 के स्टॉप लॉस पे और 1880 का टारगेट होना चाहिए आपका. बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए. तो एचडीएफसी बैंक एक और स्टॉक नोट कर लीजिए, यहाँ पर भी टारगेट्स तेजी के ही हैं. 1880 का टारगेट है, 1830 का एक स्टॉप लॉस. एक स्टॉक है आज मार्केट पे, देखिए मार्केट टूट रही है लेकिन ओएनजीसी में एकदम से अचानक से खरीदारी आई है और 3-4% का मूव दे गया. हुआ ये कि आज ये निफ्टी का और सेंसेक्स का सबसे ज्यादा परसेंटेज के लिहाज से बढ़ने वाला स्टॉक साबित हुआ. ऐसा हुआ क्यों, संदीप बताने के लिए मौजूद है. संदीप बताएं ओएनजीसी में एकदम से इतनी तेजी के पीछे कारण क्या. दरअसल रजत ये जो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा गेनर है सेंसेक्स निफ्टी दोनों पे, उसकी वजह ये है कि इनकी जो विदेशी आम है ओएनजीसी विदेश उसको लेके कुछ जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको लेके कुछ अच्छी खबरें निकल के सामने आई हैं. एक खाड़ी देश है अजरबैजान जिसका आप नाम कम सुनते हैं. मैं आपको बता दूं ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बॉर्डर पे ये देश है. पहले ये सोवियत देश होता था. इसमें जो ONGC के विदेश हैं उसको लेके थोड़ी सी अनिश्चितता थी, कुछ कंसर्न्स चल रहे थे, वो अब पॉजिटिव साइड पे कन्वर्ट हुए हैं. दरअसल जो दिग्गज इस ऑयल एंड गैस क्षेत्रीय कंपनी है BP और सॉकर आपको बता दें अजरबैजान जो देश है उनकी सरकारी तेल कंपनी है. बीपी और सॉकर दोनों के बीच में जो करार है वो आगे बढ़ा है, जो शेयरिंग डील होती है. देखिए सॉकर देश में जितनी भी बड़ी ऑयल फील्ड्स हैं उसको लेके इन दोनों कंपनियों के बीच में जो करार था वो 2024 तक था. अब ये जो करार है उसे बढ़ाकर 2050 तक दोनों कंपनियों ने फैसला लिया है. इससे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं बड़ी कंपनियों के, तेल गैस कंपनियों के अजरबैजान देश में, वो अब सिक्योर होते हुए दिखे हैं और इससे जो अजरबैजान देश है उनको भी फायदा होता हुआ दिखेगा. अब ONGC विदेश कैसे इम्पैक्टेड है, दरअसल अगर आप देखें जितनी भी ऑयल फील्ड्स हैं सरकारी ऑयल फील्ड्स हैं वहाँ पे अजरबैजान देश में, उसमें ONGC विदेश का भी करीब 2.31% हिस्सा है. और ये जो डील साइन हुई है, जो शेयरिंग डील दोबारा साइन हुई है इन दोनों देशों के बीच में, उससे ONGC विदेश का जो गैस प्रोडक्शन है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा. फिलहाल 23 BCF के आसपास ONGC का सालाना गैस उत्पादन है, वो बढ़कर 25 BCF हो जाएगा. तो एक तो जो बड़ा निवेश किया हुआ इस देश में उसको लेकर अब क्लैरिटी आई है, थोड़े से जो कंसर्न्स हैं वो इज ऑफ हुए हैं और इससे जो गैस उत्पादन है वो भी बढ़ता हुआ दिखेगा. और यही कारण है कि आप देखिए स्टॉक आज इस चीज़ को पॉजिटिव साइड पे डिस्काउंट करता हुआ दिख रहा है, जिस वजह से आप देखिए 4% तक का मूव इस काउंटर में देखने को मिला था. चलिए ठीक है, एक बार रिएक्शन भी देख लेते हैं टेक्निकल तौर पर कैसा लग रहा है अभी. समीत आपको ONGC देखिए लास्ट एक डेढ़ साल से अगर देखें तो क्लियरली एक लगाड़ स्टॉक था, इसने अंडर परफॉर्म किया है कंटिन्यूसली. हालांकि लास्ट एक डेढ़ महीने से थोड़ा इसमें कंसोलिडेशन दिख रहा था और कहीं ना कहीं 156-157 के आसपास एक बेस फॉर्मेशन दिखाई दे रहा था, उसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया. सो विद अ ट्रेडिंग व्यू इसके लिए 167-168 के लेवल्स क्रॉस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. अगर ये ब्रेक होता है तो हमें लगता है कि जो रिसेंट करेक्शन आया है वो ओवर हो सकता है और उसके बाद ये स्टॉक 178-180 के आसपास जा सकता है. समीत आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं, कौन से स्टॉक को अभी खरीदना चाहिए मार्केट में. देखिए हमने जैसे बताया कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट में है और एक 150 पॉइंट के रेंज में है, बट आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी मिल रही है. डॉक्टर रेड्डीज एक स्टॉक है जिसने कल एक ब्रेकआउट कंफर्म किया था, आज थोड़ा पुल बैक है बट ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी. इसमें टारगेट 2460 से लेकर 2500 के आसपास रहेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस अभी 2340 का रखना चाहिए. सेकेंड बाय इसमें हैवल्स में होगा 493 के स्टॉप लॉस से टारगेट 530, जो हम कंटिन्यूसली 2-3 दिनों से रेकमेंड करते आए. और तीसरा स्टॉक वीगार्ड रहेगा जो हम 2-3 दिनों से रेकमेंड करते हैं, जिसमें 210 से लेके 212 के टारगेट्स रहेंगे. थोड़ा मोमेंटम आया है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस अभी 190 का रहेगा. चलिए हेवेल्स
वी गार्ड और साथ साथ डॉक्टर रेड्डीज, ये तीन स्टॉक्स आपने बता दिए। लेकिन आज की मार्केट पे ना कुछ स्टॉक्स बहुत एक्टिव हैं। एक तो ये बैंकिंग में आंध्रा बैंक, अगर आप डेरिवेटिव में भी देखेंगे तो परसेंटेज के लिहाज सबसे ज्यादा चढ़ने वाला स्टॉक दिखेगा आपको। ये एकदम से तेजी बनी है स्टॉक में और सुबह सुबह शुरुआती एक घंटे में ही तेजी हो गई थी। अब नेक्स्ट मूव देगा क्या, नेक्स्ट लेग मेरा मतलब है? देखिए ये स्टॉक्स के लिए उन्होंने थोड़ा कंफर्मेशन के लिए वेट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो ये स्टॉक यस इंट्राडे बेसिस पर स्पर्ट देता है बट क्लोजिंग बेसिस पे उन्होंने उनका अटेम्प्ट फेल हो जाता है। तो आज का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। यस वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़ चुकी है इसमें, अच्छे खासे लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहा है आंध्रा बैंक अलाहाबाद बैंक में। तो इसमें आज अगर 56, 56, 50 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो ये स्टॉक डेफिनेटली एक 59, 60 के आसपास एक मूव दे सकता है। अच्छा, दूसरा ना ये स्टॉक के ऊपर मूव बताइए कि और तेज हो सकता है, भारती इंफ्रा और दूसरा ग्रासिम। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज ना फुटसी रीबैलेंसिंग होगी मार्केट क्लोज के बाद और 15 सितंबर यानी कि जो आज की तारीख है, ये दोनों स्टॉक्स इंक्लूड हो सकते हैं, भारती इंफ्राटेल और ग्रासिम फुटसी इंडेक्स का हिस्सा बन सकते हैं। उसके बाद तो इंस्टीट्यूशनल खरीदारी शुरू हो जाएगी। आपकी कॉल है भारती इंफ्राटेल पे और ग्रासिम पे? देखिए अगर ग्रासिम की बात करें तो एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है और उसमें यू नो क्लियरली हम न्यू हाइज देखते जा रहे हैं डे बाय डे। हालांकि लास्ट 2-4 दिनों से थोड़ा ये यू नो शांत हो गया स्टॉक, बट हमें लगता है कि इसकी जो हायर डिग्री अप ट्रेंड है अभी भी मेंटेन रहेगी और ये स्टॉक ग्रेजुअली 1290-1300 के लेवल दिखा सकता है। एज फार एज भारती इंफ्राटेल इज कंसर्न, क्लियरली इसने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 1-1.5 महीनों में, बट कहीं ना कहीं 370-375 का एक अच्छा बेस दिख रहा है अभी। आज का क्लोजिंग 380 के ऊपर इसमें मिलता है तो ये स्टॉक फिर ये मोमेंटम एक्सटेंड करेगा टुवर्ड 390-395। अच्छा, बस आखिरी सवाल होगा आपसे, आईटी स्टॉक्स पे क्या किया जाए? लोअर लेवल से खरीदारी है। कल दोपहर में भी मैंने यहाँ पर गेस्ट से पूछा था कि मार्केट्स पे क्या आईटी स्टॉक्स को खरीदने का मौका है। आज इंफोसिस देख लीजिए, ये स्टॉक एकदम से एक्टिव होता हुआ नजर आया। क्या व्यू है आपका आईटी सेक्टर को लेकर? देखिए नियर टर्म में आपको उन्होंने बड़े रिटर्न्स मिलना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर इंफोसिस की बात करें तो एक कंसोलिडेशन मोड में चला गया है और इसमें ये स्टॉक में अभी इमीडिएटली आपको ज़्यादा अपसाइड नहीं मिलेंगे। तो आपको फिलहाल टाइम वाइज पेन उसमें मिल सकता है, बट विद इन दिस स्पेस हमें अगर कोई स्टॉक पिक करना है तो मिड कैप आई टी काउंटर हेक्सावेयर रहेगा, जिसपे हम लास्ट 1-1.5 महीने से काफ़ी बुलिश है और अभी भी हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन में ये स्टॉक को बाय किया जा सकता है। स्टॉक का पोटेंशियल है ये बहुत जल्दी 292-295 के लेवल दिखा सकता है, तो एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, 263 के आसपास इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। लेकिन हमारे साथ तो मिहिर वोहरा साहब भी जुड़े थे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का, उनका क्या मार्केट को लेकर अप्रोच है ये सुनवा देते हैं आपको। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रिकवरी है वो दिसंबर क्वार्टर से ही दिखेगी प्रॉबली, एंड बाय द मार्च क्वार्टर मे बी बिकॉज ऑफ द लो बेस इफेक्ट ऑफ द प्रीवियस मार्च क्वार्टर दैट इज मार्च 17 अर्निंग्स ग्रोथ फॉर द मार्केट पिकअप होना शुरू होगा। लेकिन तब तक जो है थोड़ा हमारा स्टांस थोड़ा डिफेंसिव है, कॉशियस है, क्योंकि एक तरह से जो नंबर्स आ रहे हैं वो इतने इंप्रेसिव नहीं है और दूसरी तरह से वैल्यूएशन जो है ओवरऑल वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, तो वी आर अडॉप्टिंग अ लिटिल बिट ऑफ अ कॉशियस स्टांस।